अभी तक भारत के लिए पेरिस ओलंपिक कुछ खास नहीं रहा है। शूटिंग में 3 ब्रॉन्ज जीतने के अलावा अभी तक और किसी खेल में भारत के पास कोई भी मेडल हाथ नहीं लगा है। ऐसे में पेरिस ओलंपिक के 13वें दिन भारत 3 अलग अलग खेलों में 4 मेडल अपने नाम कर सकता है। जी हाँ, हालांकि ये सब खिलाड़ियों के उम्दा प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। पेरिस ओलंपिक में आज रेसलिंग, हॉकी और जेवलिन थ्रो जैसे खेलों में भारत के मेडल जीतने की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर कैसे स्टार चैंपियन नीरज चोपड़ा के एक्शन से पहले हम हॉकी और रेसलिंग में अभी भी 3 मेडल अपने नाम कर सकते हैं। दरअसल भारत के गोल्डन बॉय यानी कि जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज भारतीय समय अनुसार रात 11:50 पर अपना फाइनल मुकाबला खेलने वाले हैं, जहां इस बार भी पूरे भारत को नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद है। ऐसे में उनके लेट नाइट मुकाबले से पहले भारत हॉकी और रेसलिंग में भी मेडल जीत सकता है। जी हाँ, बता दें कि हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत का सामना आज स्पेन से है। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 खेला जाएगा, जहां आज भारतीय हॉकी टीम जर्मनी से सेमीफाइनल हारने के बाद भी पोडियम फिनिश कर सकती है। दूसरी तरफ अभी तक रेसलिंग में विनेश फोगाट, निशा धैया और अंतिम पंगाल की नाकामी के बाद सबकी निगाहें 57 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की तरफ से खेलने वाली अंशु मलिक और अमन शेरावत पर है, जहां आज ये दोनों ही भारत के लिए मेडल पक्का कर इतिहास रच सकते हैं। बताते चले कि रेसलिंग के इन दोनों ही बड़े इवेंट्स की शुरुआत दोपहर 3 के बाद होगी। अब देखा जाए तो कल विनेश फोगाट के वजन पर हुए बवाल के बाद पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, जहां आज भारत 4 मेडल अपने नाम कर सकता है। अब आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे MH1 न्यूज़।